फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका अपने चैनल फूड इंचार्ज में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बेल के शरबत की रेसिपी। बेल की तासीर फ्रेंड बहुत ही ठंडी होती है, इसी कारण ये गर्मी के मौसम में पाई जाती है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, आज हम बनाएंगे बेल के शरबत, बहुत ही टेस्टी सी। तो चलिए हम बनाते हैं बेल के शरबत। बेल के शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक फ्रेश बेल। तो यहाँ पर मैंने एक बेल ले लिया है और इसे हम चटका लेते हैं, देखते हैं अंदर से कैसे निकलती है हमारी बेल। तो ये देखिए, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही अच्छी हमारी बेल निकली है। और इसके जो गोंद होते हैं ना, ये गोंद हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो आप बेल ज़रूर से इस्तेमाल किया करें फ्रेंड्स। अब हम इसके सभी पल्प को निकाल लेंगे। यहाँ मैंने निकाल लिया है सभी पल्प को एक बाउल में। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। अब इसमें हम पानी डाल देंगे फ्रेंड्स। पानी हम एक से डेढ़ कप डालेंगे ताकि जो पल्प है वो अच्छी तरह से पानी के अंदर डिप हो जाए। और इसे हम इस तरह से स्पैचुला से थोड़े थोड़े से मैश भी करते जाएंगे, अच्छे से तोड़ते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। अब मैं इसे रेस्ट के लिए रख दे रही हूँ 30 से 45 मिनट्स के लिए, ताकि ये फूल जाए और हमारी शरबत बहुत अच्छी बने। यहाँ पे मैंने एक कप ले लिया है और कप में मैं 2/3 कप के करीब चीनी डाल रही हूँ। ये देखिए, मैंने थोड़े से चीनी बचा भी लिए हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप पूरा चीनी ऐड कर दें फ्रेंड्स। और इसमें भी हम थोड़े से पानी ऐड कर देंगे और इसे भी हम साइड में रख देते हैं। हमने जो बेल को फूलने के लिए रखे थे पानी के अंदर, वो अच्छी तरह से फूल चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से बिल्कुल मैशी से हो चुके हैं। बेल फ्रेंड्स हमें ज़रूर से इस्तेमाल करनी चाहिए। इसकी तासीर ठंडी होती है और पेट के लिए ये बहुत ही अच्छी है। तो आप खुद भी इस्तेमाल करें बेल और अपने बच्चों को भी खिलाएं। अब हम इस तरह की कोई भी चलनी ले लेंगे। अगर आपके पास चलनी नहीं है तो आप कोई भी मलमल का कपड़ा ले लें, इससे भी पल्प बहुत अच्छी तरह से निकल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर चलनी का इस्तेमाल किया है। चलनी में हम सभी पल्प को डाल देंगे और इस तरह से चम्मच से हिला हिला कर हम इसके सभी पल्प को निकाल लेंगे। बेल का शरबत आप बच्चों को ज़रूर से पिलाएं फ्रेंड्स। इस तरह से तो बच्चे बेल खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें शरबत बना कर देंगे तो बच्चे बड़े ही शौक से बेल के शरबत पी लेते हैं। तो मैं तो अक्सर अपने बच्चों को बेल के शरबत ही बना कर देती हूँ, क्योंकि इसकी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये देखिए, हमने सभी पल्प को निकाल लिए हैं और ये जो थोड़े से वेस्टेज बचे हुए हैं इसमें भी हम थोड़ा पानी मिलाकर इसे हम चला लेंगे और इसे हम फिर से एक बार छान लेंगे। बर्बाद क्यों करना, हमें अच्छी तरह से इसका निचोड़ निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे भी चलनी में डालकर इसके भी पल्प निकाल लिए हैं और ये जो वेस्टेज बचे इसे अब हम फेंक देंगे। अब हमारे बेल के जो पल्प हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। हमने इन्हें अच्छी तरह से छान लिया है, इसमें अब कोई भी रेशे वगैरह नहीं हैं। और जो हमने चीनी फुलाकर रखी थी ये भी देखिए गल चुके हैं। तो इसे मैं एक बार चला ले रही हूँ और इसे हम पहले साइड में रखते हैं। ये हमारा जो पल्प है ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, मुझे अभी सिर्फ 2 लोगों के लिए ही शरबत बनानी है, तो इतने सारे पल्प का हम क्या करेंगे। तो इसे मैं स्टोर करके रख दूँगी एक बोतल में। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, तो इस तरह से आप भी एक बोतल में बेल के पल्प को स्टोर करके आप इसे फ्रीज़र में रख दें और इसे आप जब मन चाहे जब भी शरबत बनाएं और इन्जॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बाकी के बचे हुए जो पल्प हैं इसमें अब हम चीनी मिलाकर इसके शरबत बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 2 लोगों के लिए ही शरबत बनाऊंगी। तो अभी इसमें जितना ज़रूरत होगा उतना हम इसमें चीनी ऐड कर लेंगे। मिठास आप चेक कर लें, जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप मिठास इसमें ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और चीनी हमारी गल चुकी है तो हमें बहुत ज़्यादा इसे चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने पहले से ही चीनी को फुलाकर रखा था, तो हमने चीनी को अब पल्प के अंदर मिला लिया है। ये देख सकते हैं आप कितना स्मूथ सा हमारा ये शरबत जो है वो बनकर रेडी होने वाला है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैं इसमें थोड़े से रू अफ़ज़ा ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बेल के शरबत में मुझे रू अफ़ज़ा का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। क्या आपने कभी बेल के शरबत में रू अफ़ज़ा मिलाकर बनाई है? अगर नहीं बनाई है फ्रेंड्स, तो एक बार आप इस तरह से बेल के शरबत में रू अफ़ज़ा ज़रूर से मिलाकर बनाएं।
बहुत ही टेस्टी शरबत हमारी बनकर रेडी होती है। अभी हमारी शरबत थोड़ी थिक है तो इसमें हम अपनी क्वांटिटी के हिसाब से पानी मिला लेंगे। आप भी इसमें अपनी क्वांटिटी के हिसाब से पानी मिला लीजिएगा फ्रेंड, जितना आपको गाढ़ा या पतला शरबत पसंद है। अब मैं ग्लास में बर्फ़ के कुछ क्यूब्स डाल रही हूँ और ये जो हमने शरबत बनाए थे शरबत को हम ग्लास के अंदर डालेंगे। इससे पहले हम थोड़े से फ्रेश पुदीना को कट करके डाल दे रहे हैं। पुदीना और रूह अफ़ज़ा के साथ जो हमारे शरबत बनकर रेडी होती है इसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आता है। आप एक बार इस तरह से बेल के शरबत ज़रूर से बनाएं और इन्जॉय करें फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इन्जॉय करें, टेक केयर।